परम सत्कार्यो सरदार मनप्रीत सिंह बादल जी, माननीय वित्त मंत्री पंजाब, वाइस चांसलर साहब, अध्यापक साहबान, प्यारे विद्यार्थियों, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैनू कोई अज उम्मीद नहीं सी, मैं तो मीटिंग करना आया सी असल दे विच समस्यावां नूं पंजाबी यूनिवर्सिटी दियां नूं लेके। वीसी साहब नूं कहा सी कि मैं उत्थे आके सुनना चाहुंदा थोड़ियां समस्यावां क्या है, पर थोड़े भी दर्शन हो गए, बड़ी खुशी हो रही थोड़ा मिल के। बहुत धन्यवाद सारिआं दा, तुसीं सारे बहुत चंगे लग रहे हो। पंजाबी यूनिवर्सिटी पंजाबी बोली नूं मुख रख के बनाई गई सी, पंजाबी नूं प्रमोट करना भी, पंजाबियों को प्रमोट करना भी, दोनों काम पंजाबी यूनिवर्सिटी करती है। सो मैं तो उन्हां लोगों को धन्यवाद करता जिन्होंने यह यूनिवर्सिटी बनाई, तो इन्ना वड्डिया एक अदारा पंजाब नूं दिता, तो यह पंजाबियों की भी सेवा कर रही है, तो पंजाबी की भी सेवा कर रही है। पंजाबी साड़ी मां बोली है, इस ते जिन्ना माण करिए सानू घट है, ते इस नू जिउंदा रखना, इस दी प्रफुल्लित करना, इस नू जिथे पंजाबी यूनिवर्सिटी का फर्क फर्ज है उत्थे सरकारां दा भी है, ते अपने सारिआं दा भी है। सो जरूरी है कि असी अपनी आने वाली जनरेशन नू पंजाबी बोली दे महार बना के रखिए, वो अगे बना के रखणगे। तां इस करके घर दे विच पंजाबी बोलनी, बच्चों नू पंजाबी सिखाउणी। अजकल कई बार बच्चे नू कहिंदा यार 45 रुपये लिया के दी, वो कहिंदा जी 45 किन्ने अंग्रेजी च दसो, वो नहीं रहना चाहिदा। पंजाबी आउणी चाहीदी है। बाबा नजमी है पाकिस्तान का बड़ा तकड़ा शेर है, वो कहिंदा शायर है, अखरां विच समुंदर रखा मैं इकबाल पंजाबी दा, उच्चा करके मैं जावांगा जग ते नाम पंजाबी दा, घर घर वजदा लोग सुणगे एक दिन ढोल पंजाबी दा। तो पंजाबी बोली ऐसी हुणे जब मैं, क्योंकि मैनू इस पासे बड़ा लगाव है, मतलब एक नशा जहा हो जाता जब कोई पंजाबी बोली की गल करता है, यार पंजाबी गीतों की गल करता है, पंजाबी नाचा की गल करता, ढोल जद बजद जद नगारा बजद, तो मैनू अपनी अपनी एक रूह में मेरे खुराक मिलती है। इस करके असी हुण सरकार दे विच आके विधानसभा दे विच बिल लिया के पंजाबी नूं लाजमी पंजाब दे विच कीता, पंजाबी विच ही काम करो। जे कोई बोर्ड भी लाना, दुकाना भी प्राइवेट भी लगना, तो उपर पंजाबी हो, ताकि मेरी माँ की बोली है जिहड़ी वो उपर रहे। सो इस सोच दे नाल पता नहीं मेरा पालन पोषण इस तरह होया, पिंडां दे विच जम्मिया, पिंडां दे विच पलिया, टोपियां विच नहाया, तां सरकारी स्कूल च पहला पढ़िया, जिस तरह थोड़े तो बहुत सारे पढ़े, क्यों थोड़े बच्चे आके मैनू ना कुछ अपना जहा पण जहा लग रहा, क्योंकि पंजाबी यूनिवर्सिटी दे विच ज़्यादा ज़्यादा आते तो इदा लगता कि हालांकि मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी पढ़िया नहीं, एक बार एक एडमिशन ली सी पोलिटिकल साइंस एम ए, पर मैं फिर करी नहीं क्योंकि उदो मैं वेला नहीं सी, फिर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चो करी 2007 दे विच। पर ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾਪਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਪਿੱਚ ਉੱਪਰ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਪਿੱਚ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਬੜੀ ਰਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
वैसे मैं पहला औखा जहा लग रहा है कि यार तुम तो मीटिंग रख वो बड़ी मीटिंग रख ली मैं तो पंजाबी के मसले ही हल करने से पर थोड़े बिच बैठ के मैं इन्ना सुरूर आ रहा इन्ना प्यार आ रहा तो मैं थोड़ा सारिया का बहुत धन्यवाद कर मैं एक चीज अपनी जिंदगी सीखी है वो मैं थोड़े विद्यार्थियों को कहना चाहता है कि अपने आप को स्ट्रेंथन करते रहना चाहिए सारी जिंदगी ये गल खत्म नहीं होनी चाहिए चाहे तुम बुढ़े हो जाओ तुम पढ़ते रहो मनप्रीत बादल जी है हूँ भी किताब हाथ च रखते पढ़ते रहेंगे मैंने इन्होंने इस करके भी बड़ा लगाव है प्यार है तुम सारी जिंदगी अपने आप को स्ट्रेंथन करते रहो आप जो पिंड पड़े है या शहर के मिडिल क्लास फैमलिया के परिवार है सानू दूयां नाल कंपीटीशन लड़न वास्ते डबल मेहनत करनी पैंदी साडा बेस उन्ना वधिया नहीं हुंदा सरकारी स्कूल दे विच पढ़ के आउंदे ते कई बार ऐसे अदारियां च प्राइवेट स्कूलां च पढ़ना पैंदा सानू ट्यूशनां उन्नियां नहीं मिलदियां सानू माहौल उदां दा नहीं मिलदा घर दे विच बापू दे डिब्बे कक्खां नूं भी भेज दिंदी है मझां नूं भी पट्टे पाने पैंदे है जद मैं पढ़दा सी ता एक हफ्ते का टोका मैं करके जाता सी फिर जाके खेल होस्टल में रहता सी उदों क्योंकि खेडा का मेरा तीन महीने का कैंप लगता सी मैं खेडा भी खेडता सी उन्हां दिनां च फिर टोका एक हफ्ते का करके जाना यह भी करना पैंदा आपां लोकां नूं इस करके सानूं मेहनत भी ज़्यादा करनी पैंदी है अपने आप नूं सारी उम्र स्ट्रेंथन भी करना पैंदा दूसरे नाल पूरा कंपीटीशन उन्हां नूं देण वास्ते सो मैं सारे विद्यार्थियों को कहना चाहता है कि जब तुसी यूनिवर्सिटी विच हो तो जब यूनिवर्सिटी के विच खेडा होंदियां तो यह जरूर सोचना कि मैं खेडा विच क्यों नहीं है जब स्टेज पर प्रोग्राम होंदा है तो तुसी इन्ना जरूर सोचना कि भंगड़ा टीम के विच मैं क्यों नहीं है होना चाहिए थोड़ा हर ईवेंट के विच जब तक सारे पासे ते ग्रोथ नहीं होंदी जब तक अच्छा माइंड और अच्छा व्यक्तित्व तो नहीं निकल के आता इस करके जे NSS का कैंप लगता वो भी जाया करो NCC भी लो इस तरह स्टेज की परफॉर्मेंस भी थोड़ी जरूरी है ग्राउंड की परफॉर्मेंस भी थोड़ी जरूरी है रोज खेलना बड़ा जरूरी है टीम के आना जरूरी है मेरा एक दोस्त सीगा वो प्लेयर बड़ा अच्छा सी पर महल्ले की टीम से खेलता सी खेलता मेरे नाल शायद वधिया ही सीगा लेकिन स्कूल की टीम च कदे खेलिया नहीं कॉलेज की टीम च खेलिया नहीं मेन स्ट्रीम च आया ही नहीं इस करके कॉलेज और स्कूल की टीम दे विच भी खेलना बड़ा जरूरी है मैं पहला हैंड फुटबॉल खेलता सी स्कूल दे विच लेकिन उत्थे हैंडबॉल तो है नहीं सी मैं जदों कॉलेज गया हैंडबॉल खेलन लग गया गोलकीपर सी हैंडबॉल का मैं तीन बार इंटरवर्सिटी खेलिया ते तीन बार गोल्ड मैडल जीतिया नैशनल भी खेलिया फिर मेरा मोटे की डिस्कलोकेशन हो गई मैं अगे इंटरनेशनल नहीं खेल सकिया लेकिन मैं कदे कॉलेज दे विच फीस नहीं दिती मेरी फीस खेडा करके फ्री होंदी सी इदां दे अदारियां विच ही होंदी 26 रुपये मेरे लगते सी सिर्फ एक बार साल दे विच उस तो बाद फ्री सारा कुछ 150 रुपया स्कॉलरशिप मिलता सी खेलों करके वो मेरा खर्चा निकल जाता सी महीने का बापू ते पैसे लेने की लोड़ नहीं पई सो जे तुसी हर एक्टिविटी हिस्सा लोगे तो थोड़ी एक अच्छा व्यक्ति तो निकल के आएगा जेड़ा तुहानू अगे काम आएगा जे मैं मुख्यमंत्री बन सकना तो तुसी तो मेरे नाल बहुत चंगे हो तुसी भी बन सकते हो तुसी इस तो भी अगे जा सकते हो तुसी अपने फील्ड दे विच अगे बढ़ सकते हो लेकिन अपना एक टीचा थोड़ा निर्धारित करना पड़ेगा मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है खाली परों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती हौसले बुलंद करने पड़ेंगे अपने टीचे बड़े करने पड़ेंगे सोच बड़ी रखनी पड़ेगी तो फिर उस सोच को पूरा करने वास्ते दिन रात निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी जब तुसी मेहनत करोगे अपने टीचे दे चलोगे डिसिप्लिन दे विच रह के चलोगे टाइम का सही इस्तेमाल करोगे तो पूरी कायनात थोड़ी मदद करेगी यार मैं गरंटी दिंदा लिख के कि तुसी अपना टीचा अचीव कर सको
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੋ। ਟਾਈਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖੇਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਲੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਓ, ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਦਾ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਹਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਪਾਉਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਆਪ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦੀ ਕੋ ਕਰ ਬੁਲੰਦ ਇਤਨਾ ਕਿ ਹਰ ਤਕਦੀਰ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਖੁਦਾ ਬੰਦੇ ਸੇ ਖੁਦ ਪੁੱਛੇ ਬਤਾ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਕਿਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਬੇਹਿੰਮਤੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੀਨਾ ਫਾੜ ਕੇ ਬੱਕਰਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਬਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਆਇਆ ਉਹ ਇਹ ਮਕਸਦ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਘੇਰ ਸਕਦੇ, ਗੇਰੋ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਆਟਾ ਦਾਲਾਂ 'ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੂਬਾ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਵੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਵਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਲੋਨ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮੋੜਨੀ ਹੈ, ਵਿਆਜ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਰ ਲੈਨ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਨ
पर तुसी बहुत प्यार दिता। मैं ये सोच क्यों लेके आया, क्योंकि मैं भी थोड़े वांगू इन्हों यूनिवर्सिटियां पढ़िया, इन्होंने स्कूलों पढ़िया जिहड़े तुसी पढ़ के आए हो। मैनू पता किस तरह प्रॉब्लम आदि थले, उन्होंने मैं हल कर लग्या होया। हुण मैं एजुकेशन वालों बढ़िया तो हैल्थ वालों बढ़िया, इस करके एक ऐसा मॉडल पंजाब दे विच एजुकेशन का देना है जिहड़ा होर किते नहीं है, दुनिया दे विच किते नहीं है। इहदे वास्ते असीं उस वल तुर पए। लेकिन अज अजोकी समस्या थोड़ी जिस तरह 150 करोड़ है, इस तो भी बड़ी होर समस्या है थोड़ी, कि थोड़ा जिहड़ी चादर है वह पिछे रह गई, पैर बाहर निकल गए थोड़े नहीं यूनिवर्सिटी दे। यूनिवर्सिटी की चादर छोटी, पैर बाहर निकल गए। चादर बड़ी जरूरी है, जे चादर पूरी नहीं होएगी तो मच्छर खाएगा, ठंड भी लगेगी, सारा कुछ होएगा। चादर पूरी होनी चाहिए है। खर्चा थोड़ा ज़्यादा है, आमदन घट है, थोड़िया फीसा दे के थोड़ा जेड़ा सरकार ग्रांट दे रही है महीने की 9.5 करोड़ रुपया, ये दोनों चीज़ा दे के थोड़े पास हर महीने 10.5 करोड़ रुपये का घाटा पै रहा। वो कितने तक पूरा करना है? ये बाहर नौजवान नारे मार रहे, टीचर नारे मार रहे, मैनू कहते जी नौजवान नारे मार रहे, मैं क्या अज मारने बंद कर देंगे क्योंकि मसला हल करना आया हुआ। वो जैज मार रहे नारे, जिस घर कहते भी जिस घर दाने उसके कमले भी सियाने, जिदे घर के पैसे घट जाए ना फिर आपस लड़ी जाते हैं। तुम देखो जिहड़ा खुशहाल घर है जिदे पर 4 पैसे है वह लड़नगे ही नहीं, क्योंकि पैसों की जिन्नी की जरूरत है खुशियां सारिया पूरिया हो रही हैं। तो जे पैसों की दिक्कत है फिर नारे भी बजनगे, फिर आपस में भी लड़ेंगे, फिर कोई बीसी को जाके अंदर गाला कटिया आएगा, किसी को बीसी गाला कटिया आएगा, क्योंकि पैसे पूरे नहीं हो रहे। 11.5 करोड़ का 10.5 करोड़ का तो हर महीने घाटा पै रहा। बीसी किस तरह चलाएगा? पिछला बीसी बेचारा बहुत वधिया बंदा सी, लेकिन धक्के खांदा मेरे पास भी फिरदा रहा, पिछले सीएम कोल भी फिरदा रहा, वो कर क्या सकता सी? वो कहता यार मेरे पैसे तो पूरे करो, मैं ता ही उन्होंने मनाऊंगा किसी तरह। पढ़ाई किस तरह वधिया होएगी? जब तक इंस्टीट्यूट को पूरा पैसा नहीं है, मास्टर को तनखा नहीं मिलती, तो पैसे पढ़ाएंगे क्या? तो जब तक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कॉलेज के कोल, किस तरह पढ़ाएंगे? सो मैं ये फेस किया अपनी जिंदगी दे, इस करके जेड़ा थोनों घाटा पैंदा है, 9.5 करोड़ की जगह 20 करोड़ का खर्चा है, असी थोड़ा पूरा 20 करोड़ दे करांगे हर महीने। बहुत धन्यवाद थोड़ा। ऐसी 240 करोड़ रुपया साल का यूनिवर्सिटी को दे करना, 150 करोड़ थोड़ा कर्जा ऐसी चक लिया, इस साल तो यह 400 करोड़ है, लेकिन हर साल ही यही रहेगा। हुण ये नहीं है कि जी मंगत्या मांगू वाइस चांसलर उत्ते चंडीगढ़ साढ़े दफ्तर फिरदा रहे जी ऐतकी की ग्रांट दे दो, इन्ने पैसे दे दो, फिक्स करते हैं। मैं इस वास्ते एफ एम साहब का बड़ा धन्यवादी हाँ, फाइनांस साढ़ा तगड़ा ऐसी थोड़े वास्ते पूरी फिक्स करके 240 करोड़ रुपया साल का तुम्हें आय करेगा। एक कानून बना देना, बना दिता है। तो थोड़ा बहुत धन्यवाद, मैं धन्यवादी हाँ थोड़ा कि तुसी सानू बहुत प्यार दिता है। अखीर दे विच मैं थोड़ा सारिया का, टीचर का, बीसी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद।